Welcome to my channel Pro & Co. In this program we are going to accept the temperature from the user and we convert it to a Celsius. Python में बनाएंगे हम इसको. अब देखो सबसे पहले हम इसमें प्रोग्राम क्या हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम एक टेम्परेचर यूजर से इनपुट कराएंगे जो फ़ारेनहाइट में होगा और उसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे और ये हम पूरा पाइथन में लिखेंगे. ये पाइथन में हमारा प्रोग्राम बनेगा. उसका जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. तो ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारा कन्वर्ट करेगा फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में. हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी गोना राइट डाउन द एल्गोरिथम, देन वी कन्वर्ट टू अ सूडो कोड और उस सूडो कोड से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट से पाइथन का कोड लिखेंगे. तो हम पूरी एक प्रोसेस से पूरा वर्किंग करेंगे. अब सबसे पहले हम एल्गोरिथम में आते हैं. एल्गोरिथम क्या है, हमारी एक सिंपल से सेंटेंस है जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारा प्रोग्राम कितने स्टेप्स में बन रहा है और क्या क्या करना है हम उसमें वाले हैं. सबसे पहले हमने क्या करेंगे, उसमें हमने एक एक्सेप्ट करना है. क्या एक्सेप्ट करना है, हमने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को एक्सेप्ट करना है. किससे करना है, यूज़र से करना है. तो हमने पहली लाइन लिख दी. सेकेंड लाइन में वी गोना कैलकुलेट दैट सेल्सियस. हम कैलकुलेट करेंगे किसको, सेल्सियस को. तो हम ये जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे यहाँ पर. और नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, वी गोना प्रिंट, शो करेंगे हम उसे किसको, टेम्परेचर को इन सेल्सियस में. अब हम इस एल्गोरिथम को सूडो में कन्वर्ट करेंगे. तो पहली लाइन स्टार्ट एंड स्टॉप आ जाएगा. एक्सेप्ट एफ, हमने एक वेरिएबल बनाया एफ जो हमसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लेगा. नेक्स्ट लाइन में हमने जो कैलकुलेट सेल्सियस से कन्वर्ट करके सूडो में बनाया. तो सूडो का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. और नेक्स्ट लाइन में हमने ये टेम्परेचर को शो करना है. तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिस्प्ले सी. ये सी कौन है, ये जो सी जो वेरिएबल बनाया है जो क्या है, सेल्सियस है. जो हमारे इस फॉर्मूले के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो सी में स्टोर हो रहा है जिसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इस सूडो कोड को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्लो चार्ट में. तो सबसे पहले उसमें स्टार्ट आया और हमने इनपुट बॉक्स बनाया और हमने एक्सेप्ट एफ को यहाँ पर लिख दिया. ये हमारा एफ क्या है, फ़ारेनहाइट जो हमने एक्सेप्ट करवाया किससे, यूज़र से एक्सेप्ट करा रहे. दूसरी लाइन में हमने उसकी प्रोसेसिंग करी. ये प्रोसेसिंग हो गई, सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9 करके हमने प्रोसेस कर दी. फिर हमने क्या करा, डिस्प्ले बॉक्स बनाया और उसके अंदर डिस्प्ले सी कर दिया. ये सी जो वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पास कर दिया. ये हमारा एक्सेप्ट, ये प्रोसेस और ये हमारा डिस्प्ले और उसके हमने स्टॉप कर दिया. अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट दिस फ्लो चार्ट टू अ पाइथन कोड. तो हम फ्लो चार्ट से पाइथन का कोड बनाएंगे. तो सबसे पहली लाइन जो एक्सेप्ट की है, वी कन्वर्ट दैट एक्सेप्ट टू द पाइथन कोड. उसमें एक्सेप्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, यस वी हैव टू यूज इनपुट. अब तुम्हें पता होना चाहिए इनपुट मैंने अंदर क्या किया, एंटर फ़ारेनहाइट मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में इनपुट करो. अब जब मैं इसको इनपुट कर रहा हूँ तो वाई पुट दैट INT, यू शुड नो दैट कि इनपुट जो भी वैल्यू एक्सेप्ट करता है किस में करता है, स्ट्रिंग में. तो वट वी हैव टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दैट वैल्यू टू अ इंटीजर. तो हमने यहाँ पर INT लिख दिया जो हमारा टाइप कास्टिंग है, जो इन वो कन्वर्ट कर रहा है और उस वैल्यू को एफ को जाके दे रहा है. सो जब हमने इसको रन कराया तो देखो ऐसे करके चला है. वो जो 85 था वो एक तरह से देखो हमने जो इनपुट करा उस समय ये एक स्ट्रिंग की तरह वैल्यू थी क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग में ले रहा है. लेकिन हमने उसको जब वो ट्रांसफर हुआ इस एफ के अंदर, हमने उसके आगे क्या लगा दिया लेफ्ट साइड में INT, तो उसने उसको इंटीजर बनाया और एफ के अंदर जाके वो स्टोर होगी. अब देखो नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में तो इनपुट करा के एफ में स्टोर कर लिया है. अब हम प्रोसेस करेंगे. हमने जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे सी इक्वल्स टू एफ माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9. तो हमने इस फॉर्मूले को लिखा और देखो उसमें क्या हुआ, वो जो 85 एफ के अंदर पड़ा हुआ है वो हमारे पास कहाँ से आया, वो इस एफ से आया. और ये एफ के पास कहाँ से आया, जो इनपुट कराया आपने. अब उसने 85 माइनस 32 करा, उसे मल्टीप्लाई बाय 5/9 करा, तो 29.4 जो है वो किस में जाके स्टोर हो गया, सी में, जो हमने वेरिएबल सी बना रखा है. नेक्स्ट लाइन हमें क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है. तो हमने देखो नाइन क्या लिखी, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स में सेल्सियस इक्वल्स टू डबल कोट्स क्लोज. ये क्या है, स्टेटमेंट है. जो ये देखो यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट है. और कॉमा करके मैंने क्या पास करा है, सी. ये सी क्या है, ये वेरिएबल है जो यहाँ पर ये 29.4 को प्रिंट करके देगा. तो तीन स्टेप में हमारा क्वेश्चन जो है देखो कम्प्लीट हो गया. अब मैं इसे पाइथन में बताऊँगा इसे पाइथन में कैसे इसे कोडिंग करते हैं. अब देखो हम क्या करेंगे, हम उसका कोड ना पाइथन में लिखेंगे. मैंने पाइथन की IDE खोल रखी है. तो पहली लाइन देखो हमने क्या लिखी है, हमारी पहली लाइन हो गई एफ इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर द फ़ारेनहाइट. मतलब ये लाइन हमारी क्या होगी, जो हमसे एक्सेप्ट करेगी वैल्यू और किस में जाके स्टोर होगी, इस एफ में स्टोर होगी. ये तो हमारी पहली लाइन हो गई. ठीक है, हमारी सेकेंड लाइन क्या बनेगी, जो हमने वहाँ पर लिखा था फॉर्मूला लिखा था, ये हमारी देखो सेकेंड लाइन है, सी इक्वल्स टू ब्रैकेट एफ माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5/9. ये हमारा फॉर्मूला की लाइन हो गई. अब हमारी आती है थर्ड लाइन, वो कौन सी लाइन है, प्रिंट की. ये हमारी प्रिंट की लाइन आ गई. इसमें ये स्टेटमेंट है जो ये लिखा है डबल कोट्स में यहाँ से यहाँ तक. फिर हमने क्या कर रखा है, कॉमा लगा रखा है और फिर सी, ये सेपरेटर है बीच में जो लगा, ये सेपरेटर है, ये स्टेटमेंट और ये वेरिएबल है. अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो एंटर
फ़ारेनहाइट, मतलब ये जो देखो स्टेटमेंट है डबल कोट्स में ना, वो यहाँ पर आ गया, मतलब मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। अब मैं यहाँ पर उसमें कोई वैल्यू दूंगा, मैंने टेम्परेचर दिया, जैसे मैंने मान लो दिया 95, अभी अभी कुछ नहीं करेगा, आउटपुट नहीं आएगा जब तक मैं क्या नहीं करूंगा, मैं एंटर की प्रेस नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पर एंटर की को प्रेस करूंगा, इसने क्या करा 35 सेल्सियस दिखा दिया। ये जो 35 कहाँ से आया, ये सी से आया, और ये सेल्सियस इक्वल टू कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पर ये डबल कोट्स में जो ये लिखा है ये स्टेटमेंट यहाँ से आया। तो ऐसे करके आपका प्रोग्राम ने देखो आपको आउटपुट डिस्प्ले करके दिखाया।